दिल्ली एनसीआर में फैली धुंध के लिए भले ही पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो, लेकिन हल्द्वानी ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग और धुएं के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? जनता, जिला प्रशासन या नगर निगम? दरअसल हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार धुंध छाई है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां सर्दियों में कोहरा देखने को मिलता था, वहां अब प्रदूषित धुंध देखने को मिल रही है। वजह है हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग। आपको बता दें कि ये ट्रंचिंग ग्राउंड पिछले कई दिनों से धधक रहा है। शहर का एक बड़ा हिस्सा भी इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन, नगर निगम आग बुझाने और फैले धुएं से जनता को राहत दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। ट्रंचिंग ग्राउंड में धधकी आग से जहां एक तरफ वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा, वहीं वातावरण में फैले धुएं से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिवाली के बाद से धुंध की समस्या आ गई है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए ये स्मॉग और भी खतरनाक है। देखिए, जब से अभी ये जो हल्द्वानी का त्यौहार निपटा है पूरे हमारा, उसके बाद से ये इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर धुंध देखने को मिली है। और प्रॉपर हम देखा जाए तो इस वक्त कई दिनों से यहाँ धूप देखने को नहीं मिल रही है, और किसी वक्त तो धूप आती है लेकिन फिर विजिबिलिटी ऐसी रहती नहीं है। अगर हम लोग इस पर ठंडे के मौसम पर पहाड़ों को भी फॉग वगैरह इस पर हो जाता है, लेकिन फॉग का तो कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन ये जो अलग टाइप की धुंध इस वक्त पहली बार यहाँ को देखने को मिली है, तो शायद यही जो है जो इस वक्त दिल्ली हरियाणा वाला जो हाल है, कहीं ना कहीं उसका अंश यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और सांस लें प्रॉपर वैसी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एस्थमेटिक हैं, जो जिनको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है वह है, उन लोगों में तकलीफ तो कुछ देखी जा रही है। तो उनको कुछ कैसे शिकायत करेगी इस वक्त हमारे को ज़्यादा तकलीफ है यह है करके। और अदरवाइज ये धुंध जो है इस वक्त धीरे धीरे पहाड़ों की साइड को भी जो है, जबकि यहाँ पर जो हरित प्रदेश है, हम एक वक्त के दिल्ली नोएडा की बात मारे कि वहाँ पर इतना पेड़ नहीं है, इससे वो नहीं, लेकिन यहाँ हरित प्रदेश है और यहाँ पूरे यहाँ से पहाड़ तक यहाँ सारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। उसके बाद भी धुंध का होना ये दर्शाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में इस पर बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। और कहीं ना कहीं हम अगर किसी का इसका समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही इसकी समस्या है, मूल जड़ हम ही हैं और हम ही इसका समाधान है। केजरीवाल कुछ करें, सरकार कुछ करे, जब तक हम लोग, हमारी जनता इसमें अवेयरनेस नहीं दिखाएगी, तब तक इसमें कुछ। बढ़ते प्रदूषण और ट्रंचिंग ग्राउंड की आग के बारे में जब जिलाधिकारी से पूछा गया तो डीएम को कहना है कि ट्रंचिंग ग्राउंड नगर निगम का अधिकार है, इसको लेकर उनको ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन की डीपीआर जल्द तैयार करने को कहा गया है, जिससे जल्द ट्रंचिंग ग्राउंड से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। इसमें पूर्णतः अधिकार नगर निगम को दिए गए हैं, लेकिन हमसे असिस्टेंस जो मांगी गई थी वो डीपीआर एक्सपीडिट करने के लिए और क्लियरेंसेस के लिए मांगी गई थी। उसके लिए ऑल रिक्वायर्ड स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द नगर निगम हैज टू एक्सपीडिट द डीपीआर प्रिपरेशन। डीपीआर वो जल्दी बनवा लें जिससे वहां पे जल्दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एंड टू एंड साइकिल ग्राउंड पे क्रियान्वित हो सके। बढ़ते प्रदूषण पर जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी से बात की है तो उनका कहना है कि दिवाली के बाद से ही हल्की धुंध देखने को मिल रही है, लेकिन ये धुंध दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की वजह से है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिलहाल प्रदूषण को नापने वाली मशीनें लगा रखी हैं, जिससे प्रदूषण को नापा जा सके। सर, दिवाली के बाद, दिवाली पे हमने पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यहाँ पर एयर की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करवाई थी हल्द्वानी में, जो हमारी 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और 3 नवंबर तक चली थी। तो एग्जैक्ट पॉल्यूशन का लेवल क्या रहा वो हमारा उस डेटा को एनालाइज करने के बाद पता चलेगा। इसकी एनालिसिस चल रही है और संभवतः 10 तारीख से पहले वो रिजल्ट हमें आ जाएंगे, तो हम बता पाएंगे कितना पॉल्यूशन लेवल हमारा रहा। महसूस हो रहा है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे कि धुंध और कोहरा टाइप लग रहा है। अब उसका एग्जैक्ट कारण क्या है कि क्या ये विंड फ्लो अपना दहली से इधर तक पहुंचा है, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हमने आज मॉनिटरिंग लगवा रखी है महिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में, तो जिसका डेटा हमें कल तक आएगा तो उससे भी हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमारा एसपीएम लेवल कितना बढ़ा है या घटा है। हल्द्वानी में वेदर की स्थिति क्या है अभी? सर, वेदर के बारे में तो मौसम खुला है या क्या कुछ नहीं, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि धुंध सी प्रतीत हो रही थी, बाकी और कंपेयर में हल्द्वानी तो साफ एरिया है ही हमारा। जनता भले ही प्रदूषण से बेहाल हो, लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हो, लेकिन लापरवाह और असंवेदनशील नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इन सब से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में स्थानीय जनता अब भगवान भरोसे जीने को मजबूर है कि शायद ऊपर वाला उनकी सुन ले और बारिश हो जाए, जिससे
ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग बुझे और लोगों को प्रदूषण से निजात मिले। पंजाब केसरी टीवी की हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।